काम कर ले वो भी ये मजाक थोड़ी है, थोड़ी तो तारीफ कर दे मेरी। धूप ज्यादा ही चमक चुका है इधर पे, अभी बजे क्या है 8 बजे सुबह के, फिर भी धूप इतना ज्यादा है। Hey guys, what's up? This is me, your friend Deepak. I am coming back to the another vlog. सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने मुंह पे क्या लगाया और क्यों लगाया, क्योंकि आज हम आए हैं दोस्तों, ये घास है सारा का सारा हमने काटा हो तो इसे हमने सगेटना है, सगेटना बोल सकते हैं, तो इकट्ठा करना है और इसके बिंडे बनाने हैं सभी के। तो ये मेरा भाई है, इसने मास्क पहना हुआ है, तो हमने ये जितना भी घास पार तक दिख रहा है तो ये आज हमने इकट्ठा करना है। और ये होता है सूखा घास, तो इन सूखे घास में छोटे छोटे कड़ होते हैं जो नाक और मुंह में घुस जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने ये मुंह पे लगाया हुआ है, तो डर मत जाना आदमी उससे। का ये देख सकते हैं ऊपर एक गुम्बद तो हमने पूरा का पूरा बना दिया है, बाकी नीचे को देख सकते हैं ये सारा का सारा सगेटने को है, बाकी थोड़ा बहुत इकट्ठा कर दिया था हमने। और ये देख सकते हैं सूखा सूखा घास है ये, बाकी आज बहुत ही ज़्यादा है हमारे घास नीचे तक, देख सकते हैं सगेटने को मतलब इकट्ठा करने को आज बहुत ज़्यादा घास है हमारे। तो सुबह सुबह मैं, मेरा भाई और पापा आ चुके हैं इकट्ठा करने घास। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बनाया अभी बिंडे के लिए, घास इकट्ठा कर लिया है, दिख रहा है आपको ये देख सकते हैं, और यहाँ भी कर दिया इकट्ठा, यहाँ देखो पापा बिंडे बना रहे हैं, ये बन गया बिंडा, ये देख सकते हैं दोस्तों ये बन गया है बिंडे के लिए, इकट्ठा हो चुका है घास दोस्तों। तो ये मैं बता दूँ, ये हम इकट्ठे कर रहे हैं हम दोनों, और पापा बना रहे हैं बिंडा इधर पे, क्योंकि हमें बिंडा बनाना नहीं आता, हम सिर्फ इकट्ठा करते हैं और पापा बनाते हैं बिंडे। हम सिर्फ मजदूर है, पापा ठेकेदार, तो पापा है मिस्त्री तो पापा है, हम तो ठेकेदार का काम, ठेकेदार हम तो मजदूर का काम कर रहे हैं, हम तो वर्कर्स है सिर्फ, बाकी काम तो पापा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नीचे सारा का सारा बिछा हुआ इधर पे घास ही घास, और मौसम देख सकते हैं बिल्कुल साफ गाइस। तो देख सकते हैं मम्मी पहुंच गए अब खाना वाना बना के। हेलो मम्मी जी, हाथ फेराओ जरा थोड़ा, हेलो ऊपर से तो हरा ही है गाइस, धूप ज्यादा ही चमक चुका है इधर पे, अभी बजे क्या है 8 बजे सुबह के, फिर भी धूप इतना ज्यादा है, अभी 11-12 बजे पता लगता है जब घास काटने चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मुंह से हटा देता हूँ, आवाज आ रही है अब। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुश, तो आपको दिख रहा है कि मेरा भाई अभी घास बना रहा है, ये एक नंबर का ढीठ है, पर इसको मैंने बोला कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ये काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए, नहीं तो ये एक नंबर का ढीठ है, काम कर ले वो भी ये मजाक थोड़ी है, थोड़ी तो तारीफ कर दे मेरी, तारीफ के काबिल हो तो ना, देख सकते हैं, देखो कैसे फटाफट काम कर रहा है, ये ढीठ कभी काम नहीं करता है, पर ये वीडियो के चक्कर में काम कर रहा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, ये देखिए, इसे मिंडा बनाना नहीं आता है, देखिए ये ढीठ है, इसकी शक्ल देखिए, ये टट्टी सी शक्ल, ये देखिए छुपाया जा रहा है, वाह वाह। तो गाइस, तो हमने आधा घास तो कर दिया इकट्ठा, इधर देख सकते हैं ये सारा का सारा, बाकी ऊपर से हमने सारा का सारा इकट्ठा कर दिया 50%। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम नीचे को, अब ये काट रहे हैं, बाकी इस साइड को तो अभी गीला ही घास, गीला नहीं हरा ही है घास अभी तक, बाकी ये जहाँ पे धूप लगी हुई है उस साइड को अब इकट्ठा कर रहे हैं हम। अभी 9:30 बज चुके हैं, तो अभी हमने यहाँ पे तो सारा का सारा घास काट दिया, क्या सारा का सारा इकट्ठा कर दिया है, बाकी अब तो रहा है शाम को करेंगे, बाकी अब खाना खाने जा रहे हैं।
9:30 हो गए हैं गाइस। ब्रेकफास्ट करने अब घर को हम आ चुके हैं। तो आज बने हैं कड़ी चावल, साथ में लस्सी है हमारे पास, रोटियां बाटी दही है। हे गाइस, तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम फारिग हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो ये पानी, ये बोतल, दराटी, चुन्नी और जो टोपी पहनी है, टोपी प्रोटेक्ट करती है इतनी धूप में, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा चमका हुआ है इधर पे, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है सिर को और काम में थोड़ा मन लगाती है। मम्मी, मेरा भाई निकल चुके आगे और मैं बोतल, पानी की बोतल लेने गया था वापस। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम सभी अभी सारा का सारा हमने घास यहाँ पे काट दिया है। ये देख सकते हैं पार पार तक ये सारा का सारा घास हमने ये काट दिया है और इससे आगे रहा है अब घास काटने को। ये दोपहर 3 बजे के बाद आएगी हम यहाँ पर। बाकी घास के बिंडे बन रहे हैं अब छून के लिए, पशुओं के लिए ले जाने हैं 2-4 बिंडे। गाइस, ये बिंडा हमारा, ये सुबह हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था घास। बाकी अब घर जा रहे हैं, धूप बहुत ही ज़्यादा तप चुका है, अब घास काटना थोड़ा मुश्किल है। अब खाना खाने के बाद काटेंगे, 3 बजे आएंगे सीधे, तब काटेंगे घास। मैं ये देखो, ये जैसे ही हम आते हैं शुरू हो जाते हैं बहमे करना। थक गया। गाइस, व्हाट्सअप अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं। तो अभी बस दाढ़ी वाड़ी हुई है, थोड़ी बहुत बाल वाल काटे हमने, तो अब बस घास काटने के लिए हम निकल ही रहे हैं। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे हमने सारा का सारा घास काट दिया है। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं चुपचाप, ठंडी ठंडी हवा लेते हुए। शाम के बज चुके हैं 5:30। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 7:30 और दिन का अंत होता हुआ और मेरे ब्लॉग का भी यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। बाकी अब बस रात हो चुकी है, हमने घास चारों तरफ देख सकते हैं काट दिया है। पापा यहाँ पे बिंडा बना रहे हैं पशुओं के लिए, मम्मी भी। यार दोस्तों, बस ये बिंडे रहे हमारे ले जाने को और रात भी देख सकते हैं, अब रात बिल्कुल ही हो चुकी है। तो इस व्लॉग को दोस्तों मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा भी व्लॉग इंटरेस्टिंग लगता हो और विलेजर लाइफ स्टाइल अच्छा लगता हो, देखना पसंद है आप सभी को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।